हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी, छोटे बच्चे के लिए, 1.5 साल के बच्चे के लिए। और इसकी कटिंग है, मैंने पहले वीडियो में डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको स्टिचिंग बताऊंगी। ये कपड़ा लिया है मैंने, और इसकी बेल्ट और पोचे का कपड़ा है वो हम दूर कर देंगे। और इसके पल्ले और इसकी कलियाँ हैं, पहले उनको लेंगे और जोड़ेंगे उनको। तो पहले पल्ले ले लेंगे, और हमारा जो कपड़ा है उसको हम चेक कर लेंगे कि सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है कपड़े की। अच्छे से चेक कर लेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे, कलियां जोड़ेंगे पल्लों के अंदर। ये देखिए, मैंने कलियों को जोड़ लिया है दोनों को। अब इसके जो आसन है उसको जोड़ेंगे हम। दोनों साइड है, दोनों साइड के आसन को स्टिच करेंगे। पहले एक साइड का आसन लेंगे, दोनों साइड स्टिच कर देंगे। अब जो ये कपड़ा है स्टिच में आया है, इसको हम नीचे की साइड मोड़ के ऊपर स्टिच लगा देंगे, जिससे कि ये कपड़ा चुभेगा नहीं, जैसे कि हम हमारी सलवार में करते हैं उसी तरह हमको इसमें भी करना है। ये स्टिच लगा दिए मैंने, दूसरी साइड भी लगा देंगे। अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को स्टिच करेंगे। सेम प्रोसीजर बेल्ट में करेंगे। अब ऊपर का कपड़ा ही, ये मुड़ाई वाला कपड़ा है, इसको हम मोड़ लेंगे। आप इसमें रबड़ या नाड़ा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है उसमें आप रबड़ डालिएगा, जिससे कि पहनाने में आसानी हो बच्चे को। अब इसको मोड़ के और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा दूंगी, और बाद में इसके अंदर रबड़ डाल दूंगी मैं। ये मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो बैक साइड है उस पर कट लगा देंगे। और फ्रंट साइड से हम मेजर करेंगे और 6 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट का, जहाँ पे हमारी चुन्नटें डलने शुरू होंगी। 6 इंच पे निशान लगाएंगे हम, एक बार फिर से मेजर करेंगे। 5 पे भी आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं 6 इंच पे निशान दे रही हूँ, जिससे कि घूमर अच्छा होगा और सलवार है वो बिल्कुल अच्छी होगी। कट लगा लेंगे, चौक से भी आप निशान दे सकते हैं। अब जो ये हमारा कपड़ा है, पहले बैक की साइड चुन्नटे डालना शुरू करेंगे। 2 चुन्नटे मैं बैक की साइड में डालूंगी, ज्यादा बड़ी चुन्नटे नहीं करने हमने बैक की साइड। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने फोल्ड करना है, क्योंकि बच्चा है,
इतना हैवी हिप नहीं होता है बच्चे का, तो हमने थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ रखना है इसमें। तो ये दो प्लेटें मैं बैग में डाल दूंगी अच्छे से। और अपना निशान देख लेंगे, वहाँ पे हम अपनी चुन्नटें डालना शुरू कर देंगे। अपना निशान अच्छे से देख लेंगे। ये मेरी थोड़ी सी सिलाई लग गई थी जो कट था उसके ऊपर, तो हम थोड़ा बैक करेंगे और आप इसमें चुन्नट डालना शुरू करेंगे। पहले एक साइड की चुन्नटें डालेंगे, एक साइड की चुन्नटें देखिए मैंने डाल दी हैं ये। चुन्नटों को अच्छे से हम दबाते चले जाएंगे, कच्चा काम नहीं करना है हमने, अच्छे से इसको सेट कर देंगे और अपना धागा कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड की चुन्नटें हम डालना शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ तक हमने अपनी चुन्नटें डालना शुरू करना है। और अपनी चुन्नटें डालते टाइम हमने अपना जो चुन्नट की जो शेप है उसको अच्छे से सेट करना है। एक साइड की चुन्नटें अलग तरीके से डलेंगी और दूसरी साइड का जो घेरा है वो अलग तरीके से डलेगा। दोनों का मुंह एक साइड नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बहुत इजी है। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का जो बटन है वो दबा लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलती रहे। और इसके कटिंग की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके कि किस तरीके से मैंने कट किया है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है या बड़ा है तो आप 1-2 इंच छोटा या बड़ा कट कर सकते हो, वो तो बच्चे की जो हाइट है उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से आप 1-2 इंच कम करके कट कर सकते हो। ये मैंने चुन्नटें डाल दी हैं, दोनों साइड हमारी चुन्नटें डल गई हैं ये देखिए। और अब ये है चुन्नटों के ऊपर जो सिलाई होती है वो भी मैंने लगा ली है। अब हम जो पोंचे हैं वो बनाएंगे। इसके लिए हम दो पट्टियाँ लेंगे बुकरम की और हमारा पोंचा बनाएंगे हम। आप चाहे तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर पटियाला सलवार बना रही हूँ बच्चे की, तो मैं पोंचा बनाऊंगी। कोई भी डिजाइन दे सकते हैं आप इसमें। मैं सिंपल पोंचा बनाऊंगी, ज्यादा डिजाइन वाला नहीं बनाऊंगी।
आप चाहें तो डिजाइन भी डाल सकते हैं। दोनों पोंचों को मैं एक साथ ही अटैच करूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा है पोंचे का, वो मैं कट कर दूंगी। जितने आप पोंचे बना रहे हैं उससे आप 2 इंच ज्यादा ले लेना। पोंचा मैंने बना लिया है, अब बीच का जो टाका है वो स्टिच कर दूंगी मैं, वो लगा दूंगी, मेजरमेंट कर लेंगे। 4.5 के ऊपर मैं सिलाई दूंगी और अपनी बीच की सिलाई जो है वो सलवार के हम लगा देंगे। आप चाहे तो 2 स्टिच दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल ही रखूंगी, एक ही टाका दूंगी मैं। आप चाहे तो पक्का टाका 2 बार दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक ही टाका दिया है, इसके जाल को मैंने बारीक किया हुआ है, ये मैं लगा लूंगी। ये देखिए मेरी सलवार बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।